हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज सीक्रेट इन्वेजन का फर्स्ट एपिसोड देख के खत्म करा है। मार्वल की ये सीरीज काफ़ी टाइम बाद कोई मतलब मार्वल ने काफ़ी टाइम बाद कोई सीरीज निकाली है और सच में यार ये सीरीज देख के मज़ा आया। मुझे अच्छा लग रहा है, पहला एपिसोड देख के अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था। जिस तरह से हमें निक फ्यूरी की चीज़ें जानने को मिल रही है, निक फ्यूरी के बारे में पता चल रहा है, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। और सच में इसमें निक फ्यूरी एज सेंटर कैरेक्टर हैं। अभी तक हमने निक फ्यूरी को जितनी बार भी देखा है वो हमेशा साइड कैरेक्टर रहे हैं या फिर वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं बट साइड कैरेक्टर रहे हैं। इस बार वो सेंटर कैरेक्टर है, पूरा अट्रैक्शन उन पे और उनके ऊपर ये सीरीज लिखी गई है, तो देखने में मज़ा आ रहा है। कहानी की बात तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी स्पॉइलर दूँ, क्योंकि अभी एक ही एपिसोड हुआ है। इसी कारण से मैं इस वीडियो में नेगेटिव पॉइंट्स की बात भी नहीं करूँगा क्योंकि हमने सिर्फ एक एपिसोड देखा है। जब तक पूरी सीरीज़ नहीं देखते तब तक किसी भी कंक्लूजन पर पहुँचना काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। जहाँ तक बात है स्क्रीन प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया था। हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंगेज रहते हैं, जानना चाहते हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। और जिस तरह फर्स्ट एपिसोड को एंड भी किया गया है ना, उसके कारण हमारे मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि हम सेकेंड एपिसोड देखना चाहें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये सेकेंड एपिसोड एक हफ्ते के बाद आने वाला है, यानी नेक्स्ट वेडनेसडे, तो काफ़ी लंबा समय है इस सेकेंड एपिसोड के लिए। बाकी देखते हैं कि सेकंड एपिसोड कैसा आता है। जहाँ तक बात है टाइमलाइंस की, तो मैं आपके बारे में जैसे मैंने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहता हूँ, ना ही स्टोरी ना किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कुछ भी स्पॉइलर दूँ। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, डेफिनेटली निक फ्यूरी का कैरेक्टर जो प्ले करते हैं उनका काम बहुत तगड़ा है और ये चीज़ हम इतने सालों से नोटिस भी करते आ रहे हैं और इस सीरीज़ में भी उनका काम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डायरेक्शन पर कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेंगी कि थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं, इसी कारण से मैं डायरेक्शन को उतना अच्छा नहीं बोलूँगा फर्स्ट एपिसोड के, लेकिन देखते हैं कि फाइनल एपिसोड तक क्या हो जाता है। जहाँ तक बात है एडिटिंग की, एडिटिंग मुझे ठीक ठाक लगी है। तो ओवरऑल मेरा फर्स्ट एपिसोड के साथ एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा। कुछ फ्लॉज मिले हैं, देखते हैं कि ये सीरीज़ आगे जाके कैसे इस पर रिएक्ट करती है। अगर ये चीज़ें कहीं अच्छी जगह जाके एंड होती है तो डेफिनेटली ये फ्लॉज किसी काम के नहीं रहेंगे। तो देखते हैं कि ये सीरीज़ कैसी बनती है। बाकी आप लोगों ने अगर इस सीरीज़ का पहला एपिसोड देख लो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।